कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लास नदी में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न संगठन अपने स्तर पर लगे हुए हैं। ऐसे में एक संगठन ने रक्तरंजित पत्र तथा अंगूठे लगाकर राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को भेजा है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ठाकरे इन पत्रों को कितना महत्व देते हैं। उल्लास नदी को बचाने के लिए रक्त के अंगूठे का निशान। कल्याण में शिव जयंती के अवसर पर राजा छत्रपति प्रतिष्ठान की ओर से रक्त रंजित अंगूठे का निशान लगाकर किया समर्थन। उल्लास नदी बचाओ कृति समिति के माध्यम से यह बयान पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को भेजा जाएगा। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए रक्त से एक बयान तैयार किया है। यह नदी बचाओ आंदोलन का हिस्सा है। जैसे जैसे नदी प्रदूषित हो रही है, नदी में जलकुंभी बढ़ रही है। प्रदूषित पानी लोगों में पेट और त्वचा की बीमारियों का कारण बन रहा है। यहाँ तक कि इन जलकुंभियों के बीच मरे हुए जानवरों के शव भी देखे जा सकते हैं। उल्लास नगर, कल्याण, भिवंडी और आसपास के लोग बिना प्रक्रिया किया हुआ मल मूत्र का पानी पीने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।